subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मित्र प्रकाश जी, पदाधिकारीगण और सभी INB सेक्रेटरी और IT सेक्रेटरी और पत्रकार मित्रों, आज हम सोशल मीडिया के संबंध में गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया और OTT के बारे में कोड ऑफ एथिक्स, इसको लेकर आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये आपको हम बता दें कि जो सोशल मीडिया है, बाकी इंटरमीडियरी है, उसके संबंध में जो हमने गाइडलाइन बनाई है नई, उसको मैं प्रस्तुत करूंगा। और अब डिजिटल मीडिया और OTT के बारे में IT एक्ट के अंतर्गत ही हम लोगों ने वो एडमिनिस्ट्रेशन INB को सौंपा है, तो INB के द्वारा जो फाइनलाइज किया चर्चा करके बाद वो उस रूल के बारे में प्रकाश जी बताएंगे। लेट मी फर्स्ट ले डाउन द ग्राउंड रूल वेरी क्लियरली। सोशल मीडिया इज वेलकम टू डू बिजनेस इन इंडिया। दे हैव डन एक्सीडिंगली वेल, दे हैव गॉट गुड बिजनेस, दे हैव गॉट गुड नंबर ऑफ यूजर्स एंड दे हैव ऑल्सो इंपावर्ड ऑर्डिनरी इंडियंस। इसकी हम तारीफ करते हैं। व्यापार करें, पैसे कमाएं और सोशल मीडिया पर ऑर्डिनरी इंडियंस को आप मजबूत करें, आपका स्वागत है। द गवर्नमेंट वेलकम्स क्रिटिसिज्म एंड राइट टू डिसेंट। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, एंड सोशल मीडिया हैज बीन यूज टू आस्क क्वेश्चंस टू, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया मस्ट बी गिवन द फोरम to raise their grievance and resolution against the use, against the abuse and misuse of social media. Let me repeat, it is very important that the social media users running into crores should also be given a proper forum for resolution of their grievances within a time-bound manner against the abuse and misuse of social media. ये हमारा एक बहुत बड़ा इसका फोकस है कि वी आर इंपावरिंग द ऑर्डिनरी यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया इन दिस प्रोसेस। बाकी प्रकाश जी उस विषय को बताएंगे। हमारे सामने शिकायत आती थी कि एक महिला की मॉर्फ फोटो दिखाई जा रही है, मॉर्फ किया हुई, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड स्प्लिट कर गए, बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोग्राफ दिखाई जा रही है। ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन आ रहे हैं सोशल मीडिया में विच कैनॉट बी कॉल्ड सिविलाइज्ड फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू, इंपिंजिंग अपॉन डिग्निटी, कॉम्प्रोमाइजिंग द सिविलाइज्ड नॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस। इसकी शिकायतें हमारे पास बहुत आई थी और बाकी चर्चा हम करेंगे कि हाउ ऑफ लेट सम इंटरमीडिएट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वी आर यूज टू गार्नर commercial and financial controversy inter se among corporate houses. हमारे सामने ये भी शिकायत आई थी कि सोशल मीडिया को आजकल क्रिमिनल टेररिस्ट देश में chaos, mayhem, वायलेंस को प्रमोट करने के लिए also from across the border कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा the basic essence of this is what I would say it a soft touch oversight mechanism where we are insisting upon the platforms to develop the mechanism and have a robust redressal of grievances. और जब प्रकाश जी अपनी बात कहेंगे तो वहां भी एक सॉफ्ट टच मैकेनिज्म है वेयर द प्लेटफॉर्म्स बी द OTT और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर बीइंग एम्फेसाइज्ड टू हैव ए प्रॉपर मैकेनिज्म। ये हमारा फोकस है, ये समझना चाहिए। मैं थोड़ा आई एम विश टू शेयर सम स्टैटिस्टिक्स टू यू। भारत में व्हाट्सएप के यूजर्स हैं 53 करोड़, यूट्यूब यूजर्स आर 44.8 करोड़, फेसबुक यूजर्स आर 41 करोड़, इंस्टाग्राम यूजर्स आर 21 करोड़,
एंड ट्विटर यूजर आर 1.75 crores. दिस इज अ गुड नंबर, वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. इंडियन यूजर्स आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म्स एंड दे आर ऑल्सो मेकिंग गुड बिजनेस केस, वेलकम. बट वॉट हैज हैपन एज आई इंडिकेटेड इन द वेरी बिगिनिंग, कंसर्न्स इज आर बींग रेज्ड ओवर द ईयर्स अबाउट रैम्पेंट अब्यूज ऑफ दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. ये आपके कोर्ट के सामने बात आई है, पार्लियामेंट के सामने बात आई है, सिविल सोसाइटी ने बात उठाई है. और फेक न्यूज का तो ये हाल है कि आजकल मैं टीवी चैनल्स को देखता हूं कि वो भी एक फैक्ट चेक मशीन रखते हैं. जब प्रकाश जी ने यहां फैक्ट चेक शुरू किया तो हमने कहा नई बात है, बट नाउ आई सी मेनी चैनल्स आर हैविंग ए फैक्ट चेक मशीन. देयरफॉर दिस ओनली कंफर्म्स द रैम्पेंट स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज. और बाकी फिनेंशियल फ्रॉड, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, ये सब चीजें चल रही थी. तो ये हमने देखा कि जो इंडिया में सोशल मीडिया का एवोल्यूशन हुआ है, मेनी बिकेम एज इंटरमीडियरी, देन बिकेम द सोशल मीडिया, सम बिकेम पब्लिशर्स ओवरनाइट, ये भी अपने आप में एक डेवलपमेंट हुआ है. ये आपको हम बताना चाहते हैं. आज का हमारा रैशनल एंड जस्टिफिकेशन फॉर न्यू गाइडलाइंस क्या है, मैं 4-5 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक व्यापक प्रेस रिलीज मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ऑन 11 दिसंबर 2018 इन द प्रांजोला केस आस्क अस टू फ्रेम नेसेसरी गाइडलाइंस टू एलिमिनेट चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप, गैंग रेप इमेजेस, वीडियोज एंड साइट्स इन कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म एंड अदर एप्लीकेशंस. सुप्रीम कोर्ट ने फिर 24 सितंबर 2019 को मेरी मिनिस्ट्री को डायरेक्ट किया कि प्लीज हैव ए न्यू गाइडलाइन कंप्लीटेड एट द अर्लीएस्ट. आवर सेक्रेटरी मिस्टर अजय सानी हैड फाइल एन एफिडेविट इन द कोर्ट कि वी डूइंग बाय दिस ईयर बिगिनिंग इटसेल्फ. राज्यसभा में 26-7-2018 को कॉलिंग अटेंशन मोशन हुआ था फेक न्यूज पर, ए बी दो सोशल मीडिया पर. एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अर्ज मी टू टेक एक्शन एंड देयर इज माय अश्योरेंस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि वी विल इंप्रूव द एंटायर गाइडलाइन. और राज्यसभा की एक एडहॉक कमेटी की रिपोर्ट है ऑन 3 फरवरी 2020, जहां पर प्रोनोग्राफी ऑन सोशल मीडिया, इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन, हेट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, इसको लेकर चिंता प्रकट की गई थी. देयरफॉर कोर्ट ऑर्डर्स, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, आई ओनली मेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देयर आर मेनी ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट्स एज वेल टू टेक एक्शन इन दिस. हमारी मिनिस्ट्री ने व्यापक कंसल्टेशन किया. We prepared a draft on 24th of December 2018, where we received 171 comments. We put those comments in public domain, and we had 80 counter comments too. Therefore, widespread consultations was done, and also in the case of INB, which will be explained by them. अब हम इसके salient features को आपके सामने रखना चाह देते हैं. बाकी तो rules आपके सामने आएगा, press statement भी है. पहला है कि दो कैटेगरी की है, एक है इंटरमीडियरी विच कैन बी ए सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, और दूसरा है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी. सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी पर एडिशनल ऑब्लिगेशन है, देर आर एडिशनल ऑब्लिगेशंस ऑन ए सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी. वी शैल नोटिफाई द यूजर्स number for a significant social media intermediary very soon. Who will be those? पहला है कि आपको एक grievance redressal mechanism रखना पड़ेगा, and इस grievance officer का नाम भी आपको रखना पड़ेगा. Who shall register the grievance within 24 hours and disposal in 15 days. That is very clear. Second, if there are complaints against the dignity of users, particularly women that expose their private parts of individuals, or nudity, or in sexual act, impersonation, etc., you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made. This particular provision is designed to respect the dignity of the woman of India and anyone else. It's very clear.
उसके बाद मैंने बता दिया आपको कि दो प्रकार के सोशल मीडिया होंगे, तो जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया होगा उनको तीन काम करना पड़ेगा। पहला, यू विल हैव टू हैव ए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रेजिडेंट इन इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस ऑफ द एक्ट्स एंड द रूल्स। सेकेंड, ए नोडल कंटैक्ट पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर हैविंग 24/7 कोऑर्डिनेशन विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो पहला हो गया चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा हो गया नोडल कंटैक्ट पर्सन, तीसरा है अपॉइंट ए रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर हु शैल परफॉर्म द ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म एज आई इंडिकेटेड। एंड नेक्स्ट इज यू मस्ट पब्लिश ए मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट कि आपके पास कितने कंप्लेंट्स आए, आपने उन पर क्या कार्रवाई किया और क्या रिड्रेसल किया। देयरफॉर जस्ट टू कॉन्क्रीटाइज, वी आर एम्पावरिंग द ऑर्डिनरी यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया एंड अदर इंटरमीडियरीज, यू मस्ट हैव ए रोबस्ट ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म इंस्टीट्यूटिंग द कंप्लेंट विद इन 24 आवर्स, रिड्रेसल विद इन 15 डेज। यू मस्ट हैव ए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर फॉर सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया, you must have a nodal contact person, you must have a resident grievance officer all residing in India, and you must give a monthly compliance report. ये बहुत स्पष्ट है। उसके बाद एक सवाल आता है first originator का कि खुराफात हुई, but who was the creator, who was the first creator of the mischief? बार बार चीजें retweet पर retweet होनी शुरू होती हैं, कई बार महम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप मॉब लिंचिंग में, तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है इसके बारे में बताना पड़ेगा। दिस फर्स्ट ओरिजिनेटर विल नॉट, वी डोंट लाइक टू हैव द कंटेंट, क्योंकि कंटेंट तो बाहर आ जाता है, कई लोग ट्वीट रिट्वीट करते हैं। हु बिगैन द मिसचीफ, ये आपको बताना पड़ेगा। ये मिसचीफ अगर भारत के बाहर से हुआ है तो भारत में उसको किसने शुरू किया, यह बताना पड़ेगा। I repeat, the social media platforms, upon being asked either by a court order or by the government authority, will be required to disclose the first originator of the mischievous tweet or message, as the case may be. And this should be only in relation to sovereignty and integrity of India, number one. Number two, security of the state, public order, relations with foreign states or rape, sexually explicit material, etc. तो आपको यह बताना पड़ेगा कि खुराफात पहले किसने शुरू की, उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी। यस, और यह सब उसी अपराध के बारे में होगा जहां 5 साल से अधिक की सजा है। आई एक्सप्लेन टू यू, बाकी उनका एक फिजिकल देश में एड्रेस होगा। इसमें हम एक और प्रावधान कर रहे हैं कि आपको एक वॉलंटरी वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का इंतजाम करना पड़ेगा, सोशल मीडिया नॉट द गवर्नमेंट। द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मस्ट हैव ए प्रोविजन फॉर वॉलंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ द यूजर्स, क्योंकि आप मोबाइल से करते हैं, बाकी से करते हैं, आपको बताना पड़ेगा। और एक अंतिम बात है कि दो बातें कहूंगा कि अगर कोई अनलॉफुल इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पर है, अगेन इफ देयर इज अ कोर्ट ऑर्डर और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और डिसेबल एक्सेस टू द कंटेंट ऑफ एनी सोशल मीडिया यूजर, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव हिम रीजंस एंड ऑल्सो हियर हिम। ये हमने एक प्रोविजन रखा है। मित्रों, ये जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया के लिए जो हमने कानून बनाया है वो 3 महीने में हम लागू करेंगे ताकि वो अपनी मैकेनिज्म को इंप्रूव कर लें। विल बी गिविंग ए विंडो फॉर 3 मंथ्स फॉर सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया एंड द रेस्ट विल कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम द डे द रूल्स आर नोटिफाइड। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ओवर टू प्रकाश। रवि जी, बहुत धन्यवाद। जैसे आपको पता है कि नई टेक्नोलॉजी का एक अच्छा फल है कि डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्ट्स भी बन गए, न्यूज पोर्टल्स बन गए, वैसे ही OTT प्लेटफॉर्म आ गया। लेकिन एक फर्क रहा कि
कि जो आप लोग बैठे हैं प्रिंटिंग प्रेस से जो आते हैं उनको प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ऐसा डिजिटल मीडिया पोर्टल को कोई बंधन नहीं है। यहां टीवी के लोग हैं, उनको केबल नेटवर्क एक्ट में जो प्रोग्राम कोड है वो उनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ऐसा कोई नियम नहीं है। और इसलिए सरकार ने यह समझा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट हैव द सेम जस्टिस सिस्टम, और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। और लोगों की मांग भी बहुत थी, लोगों की मांग रोज सैकड़ों पत्र मंत्रालय में आते हैं। इस बार इस सेशन में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 50 प्रश्न पूछे गए दोनों सदन में मिलकर, 50 क्वेश्चंस। देश भर में इस विषय की कितनी चर्चा है इसका ये उदाहरण है। और उसके बाद हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में उन उद्योगों के सभी लोगों को बुला के विस्तृत चर्चा की। मैंने खुद दिल्ली में 2 मीटिंगें बुलाई, और पहले मीटिंग में मैंने ओटीटी प्लेटफॉर्म का कहा कि आप सेल्फ रेगुलेशन बनाओ जैसा टीवी वालों ने बनाया है, लेकिन नहीं हुआ दुर्भाग्य से। फिर मैंने एक बार फिर मीटिंग बुलाई और कहा कि 100 दिन में बनाओ, लेकिन वो भी नहीं बना। बाद में कुछ नोट बनी थी जिसमें कोई सेल्फ रेगुलेशन बाहर कोई आदमी भी नहीं था। और इसलिए हमने तय किया कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सभी मीडिया के लिए होना चाहिए, क्योंकि मीडिया की आजादी लोकतंत्र का आत्मा है। बोथ वी हैव फॉट फॉर मेंटेनिंग प्रेस फ्रीडम एंड हैव गॉन टू जेल ड्यूरिंग इमरजेंसी। बट लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट एवरी फ्रीडम हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम, और उसके लिए वी हैव डिसाइडेड टू हैव 3-tier मैकेनिज्म फॉर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। फर्स्ट, फॉर ओटीटी एंड डिजिटल न्यूज मीडिया बोथ विल हैव टू डिस्क्लोज देयर डिटेल्स फ्रॉम वेयर दे पब्लिश, हाउ दे पब्लिश, हाउ मच इज दिस स्प्रेड, एनीथिंग, सो दैट डिस्क्लोजर विल कम। दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन। We are not mandating a registration. We are seeking information. Then second is, there has to be grievance redressal system. As Raviji has said, their grievance redressal system in the same manner, it will work in OTT platforms and digital portals also. They will have to have their own portal for grievance redressal. Then second tier will be self-regulation. On OTT platforms, they will have to have a self-regulation, a body headed by a retired Supreme Court or High Court judge, or otherwise very eminent person in this category. So this is what we are entailing. So there, any grievances, there has to be a place for making grievance. Uski sunwai honi chahiye, aur uske sunwai par koi judgment aana chahiye. Aur jaise hum TV pe dekhte hai, ki TV par scroll aata hai, maafi mangte hai, kuch dand bhi hota hai, to ye khud karte hai, sarkar nahi karti. To waisa hi hum karna chahte hai, ki ye hona chahiye. और तीसरा, एक सरकार है तो सार्वभौम सरकार होती है, सॉवरिन सरकार होती है, तो एक ओवरसाइट मैकेनिज्म भी होगी, जहां एकदम तुरंत फैसले कभी करने पड़ते हैं, कोई बहुत बड़ा
पेंच तैयार हुआ तो ये ओवरसाइट मैकेनिज्म रहेगा। और ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक और है कि अभी सेंसर बोर्ड होता है फिल्म वालों को, लेकिन ओटीटी को सेंसर बोर्ड नहीं है, तो हमने कहा है सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ एज रिलेटेड इश्यूज टू बी सॉल्व एंड उसका एक प्रोसेस हो कि 13 से ऊपर 13+, 16+ and A कैटेगरी देयर हैज टू बी ए मैकेनिज्म ऑफ पेरेंटल लॉक एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस दैट चिल्ड्रेन डोंट सी दैट। बट बाकी यू सिनेमे जो है वैसे वहां भी यू क्लासिफिकेशन सेल्फ क्लासिफिकेशन है, लेकिन उसके लिए भी जो कोड सेंसर बोर्ड का है, जो एक एथिक्स कोड है, वो सबको कॉमन रहेगा और इसलिए वो रहेगा। लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि जो डिजिटल मीडिया पोर्टल्स है उनको भी अफवाह फैलाने का, झूठ फैलाने का यह अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं है। एज आई सेड, मीडिया फ्रीडम इज एब्सोल्यूट बट विथ रिस्पॉन्सिबल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एंड दैट इज द सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम। एंड उस फ्रीडम के दायरे में ये दोनों, और ये कानून एक ही है आईटी का, जो MIT का कानून है उसी के अंदर जो बिजनेस रूल बदले मोदी जी ने, और ये जो कंटेंट वाला मुद्दा है खासकर मीडिया का और OTT और डिजिटल मीडिया, इसका INB एडमिनिस्टर करेगी। बाकी जो इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म्स है उस पर का संज्ञान IT मिनिस्ट्री पहले जैसे कर रही है वैसी करेगी। बस मुझे भी इतना ही कहना है, धन्यवाद सर। एक मिनट बिफोर वी टेक योर क्वेश्चंस फ्रेंड्स, सिर्फ दो बातें मुझे ऐड करनी है। जो प्रकाश जी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इंटरनेट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट बाय इटसेल्फ, बट द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर 19(1) कैन यूज इंटरनेट टू एक्सरसाइज दैट राइट। तो इफ इट इज ए फंडामेंटल राइट अंडर 19(1), इट इज सब्जेक्ट टू 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज reasonable restrictions can be imposed in pursuit of safety, security, sovereignty of India, public order, etc., etc. एक बात मैं ये कहना चाहूँगा। और दूसरी बात हम कहेंगे, सभी सोशल मीडिया का स्वागत है, लेकिन बड़े आदर से कहूँगा, there should not be double standards. If an attack is there on Capitol Hill in Congress, then social media support the police action. But there is an aggressive attack on Lal Killa, the symbol of India's freedom, where our prime minister swore the national flag, you have double standard. This is plainly unacceptable. धन्यवाद सर। फ्रेंड्स, जैसे आपको बताया, एक डिटेल्ड प्रेस रिलीज जो है PIB की तरफ से जारी होगी। However, we will take some questions. First, I take 39. प्रकाश जी, रवि जी, ये सवाल इस चीज से जुड़ा हुआ है, आपके ही विषय से जुड़ा हुआ है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में न्यूज मीडिया बार्गेन कोड लागू किया है और दुनिया के कई देशों में भी इस तरीके की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो क्या भारत में भी इस तरीके की चीज पर विचार हो रहा है कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं या जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कंटेंट क्रिएटर और कंटेंट एग्रीगेटर के बीच में एक बैलेंस बना रहे? ऐसा है, जो ऑस्ट्रेलिया का मुद्दा है वो इससे अलग है थोड़ा। वो मीडिया की न्यूज़ जो छापते हैं उनको कुछ पेमेंट मिले न मिले, ये भी एक मुद्दा है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि दुनिया के सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कमीशन या बाकी अन्य देशों में भी इस विषय में क्या क्या हो रहा है इसका हम जानकारी भी रखते हैं और उसकी राय जब प्रकट करना होगा तो करेंगे। 53। सर, मैं मुकेश कौशिक हूँ दैनिक भास्कर से। मेरा सवाल रविशंकर जी से है। आप रविशंकर जी पर्सनली भी बहुत इस बात के वोटरी रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो अकाउंट खुलें वो फेक ना खुलें, नामी ना हों, और इसलिए उनकी कोई ऑर्गेनिक लिंक होनी चाहिए। हम इस दिशा में क्या कर रहे हैं कि वो अगर कोई अकाउंट खोले तो वो अपने मोबाइल नंबर उस पर डिस्क्लोज करे, एक OTP आए, उसके बाद ही कोई अकाउंट खुल पाए, इससे हम लोग एक वेरिफिकेशन हो जाएगा उसका।
देखिए, जैसा मैंने आरंभ में बताया था, इस नए गाइडलाइन का पर्पस क्या है? सोशल मीडिया खुद ये काम करें और उनके यूजर से करवाएं। हम सरकार का हस्तक्षेप कम से कम चाहते हैं, इसीलिए एक वॉलंटरी मैकेनिज्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट करें और उनके रजिस्ट्रेशन कराएं। उनका मोबाइल तो उनके पास ही है, सिम कार्ड है, आधार कार्ड है, क्या करना है उनको तय करना है। लेकिन हम जरूर चाहते हैं, अपेक्षा होगी कि ये वेरिफिकेशन जरूरी है, वरना वो भारत से ट्वीट हो रहा है, रिट्वीट हो रहा है, विदेश से हो रहा है, पाकिस्तान से हो रहा है, कहीं ना कहीं तो इसके बारे में एक मैकेनिज्म होना चाहिए। 13 सर, मेरा सवाल एक प्रसाद सर से और एक जावड़ेकर सर से, दोनों से है। सर, सोशल मीडिया कंपनीज कहती हैं कि ओरिजिनेटर आइडेंटिफाई करने के लिए उन्हें एंड टू एंड इंक्रिप्शन ब्रेक करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि प्रिवेसी जो है वो लोगों की वायलेट होगी। एंड जावड़ेकर सर से क्वेश्चन बेसिकली ये है कि सर, जो ऑनलाइन न्यूज़ मीडिया कंपनीज हैं उनका मानना है कि, और आपके एक्ट के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि वो 69A के अंडर आएंगे आईटी एक्ट के, तो उसके अंडर लाने का उसको क्यों परव्यू किया गया है? ब्लॉकिंग एक्सेस क्यों दिया जा रहा है सर? पिछले कुछ दिनों में इस रेगुलेशन के बारे में अलग अलग खबरें आई है। जब आप रूल्स देखोगे और प्रेस रिलीज देखोगे तो बहुत सारे गलत निकलेंगे। एज फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। When you are talking about first originator, we are not asking them to disclose the content. Simple question, ye khurafat kisne shuru ki? Who began this mischief? Tell us that. That's all. And it will be only in relation to issues where punishment is for more than 5 years, including security, sovereignty, integrity of India, rape, etc., all these things. Therefore, there is a proper safeguard. 33 लेकिन वही सवाल था रवि जी और प्रकाश जी दोनों से कि अगर आपने रेगुलेशन बनाया है, उसका एक बार, दो बार, तीन बार अगर रेगुलर वायलेशन होता है तो उसको सुधारने के लिए या फिर दंड का, अलग अलग दोनों फील्ड में क्या प्रावधान होंगे स्पेसिफिक दोनों फील्ड के लिए? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज के दिन भारत में, फिर रिपीट करूँगा, सोशल मीडिया, इंटरमीडियरी, इन सबों का देश में स्वागत है। भारत के लोकतंत्र में आपने देश के लोकतंत्र को मजबूत किया है, आम आदमी को आवाज़ दी है, तो कृपया करके जिम्मेवारी के साथ उसका अनुसरण करें, ये मेरी विनम्र प्रार्थना। और अगर इतने क्लियर गाइडलाइन जहां दायित्व उनका है, अगर उसका वो अनुपालन नहीं करेंगे तो जो भी कानून में प्रावधान है आईटी एक्ट में, बाकी है वो देखा जाएगा। आई वॉन्ट टू रिपीट इन वेरी राइट अर्नेस्ट दैट वी अप्रिशिएट द प्रोलिफरेशन ऑफ सोशल मीडिया इन इंडिया and also it's used by ordinary Indians. We want them to be more responsible, more accountable for the laws and constitution of India and give voice to their users. I hope they'll appreciate. If they don't, then whatever the provisions are there in the law will take its course. 82 ek nahi unka ek prashn OTT pe kya hoga self regulation mein, to jaise aaj TV ka self regulation hai और किसी की भी शिकायत है तो सुनवाई होती है, जज करते हैं और जजमेंट भी देते हैं कि जिसमें सजा यानी फाइन भी होता है, स्क्रॉल भी चलाना पड़ता है या अन्य भी प्रकार है, तो ऐसे ही मैकेनिज्म उसी तरीके से ये OTT प्लेटफॉर्म्स को तैयार करना पड़ेगा। So this is Aditi from Times Now. I have a question for Mr. Ravishankar Prasad. Sir, we're given to understand that even the news pages and the news handles are going to be included in the new guidelines. So my question was, how exactly is the news content also going to be regulated, and what are the details of the special guidelines for the news publishers? I think, Prakash, you have asked this question to the wrong person, but let me tell you, Prakash ji has already said very specifically, we are only removing the double standards. What is being followed in the print, you follow here as well. That's all. Print media को press council का code follow करना पड़ता है, वही code है, और उनके संबंध में किसी को शिकायत करनी है तो press council के सामने शिकायत कर सकते हैं, उसकी सुनवाई होती है, दोनों पक्ष सुने जाते हैं और फिर press council भी दंड करता है
न्यूज़पेपर्स को, तो वही तरीका रहेगा। 20 सर, ये आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस क्या होगी, कौन सा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन होगा, क्या आईटी का सेक्रेटरीज का पैनल होगा जो इसको आइडेंटिफाई करेगा कंटेंट को, या फिर कंप्लेंट किसी की भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, या यहाँ बैठे किसी की भी हो सकती है। पहली बात बता दूं कि जो वेरिफिकेशन आपने बताया, तो सोशल मीडिया आराम से सिम कार्ड से मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया कि चाहे वो प्रकाश जी का विभाग हो या मेरा विभाग हो, पहला ग्रीवांस रिड्रेसल आपको करना है, मैकेनिज्म बनाना है, और सोशल मीडिया को दो तीन काम और करना है जो सिग्निफिकेंट है। अब आप नहीं करतेंगे तो बाकी तो आईटी एक्ट में तो प्रावधान ही है ना, उसकी चिंता की जाएगी, आप तो जानते हैं आईटी एक्ट। तो सेक्रेटरीज का पैनल जो है वो डिसाइड करेगा किसी का, वो आई थिंक जो आईटी एक्ट में प्रोविजन है उसके अनुसार। आज हम रूल्स गाइडलाइंस लेकर के आए हैं, आईटी एक्ट की तो प्रावधान नहीं है ना। Sir, I'm just adding to the question on the news websites that are being included. What I want to understand, since for the first time this has been done, sir, there hasn't really been any consultation with the stakeholders. All of us have now been included in the IT Act. Do you intend to get us on board, have a conversation on this? What is the government planning to do? पहले तो आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि डिजिटल न्यूज पोर्टल्स कितने हैं, इसीलिए तो हमने कहा है कि उसका डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन यह आपको करना है, तो हमें पता चलेगा इतने हैं, कंसल्टेशन करें किससे, यह भी तो मुद्दा है ना। तो सारी जानकारी आएगी, तो हमारे दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले हैं, कोई भी आपके सुझाव है तो जरूर आपका स्वागत है। 72 जेल किसको होगी, यूजर को की और प्लेटफॉर्म जी? ऑफेंडर, लॉ ऑफेंडर। चलिए आगे आगे, लेट्स गो, यस, हु इज नेक्स्ट? 17 क्विक फास्ट। शर्मा, नवनीत मिश्रा हूँ न्यूज एजेंसी INS से। एक रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर के बार बार सवाल खड़े होते हैं, फेसबुक और ट्विटर करीब 11,000 करोड़ सालाना का इनका इनकी कमाई होती है भारत में, तो इसको लेकर के सरकार की क्या नीति है, क्योंकि ये कहा जाता है कि वो अपनी कमाई सही से वो शेयर नहीं करते। देखिए, आज का विषय सोशल लाइन्स OTT डिजिटल प्लेटफॉर्म गाइडलाइन के बारे में है, तो अगर आप इसी पर सवाल केंद्रित करेंगे तो कृपा होगी। बाकी कौन अपना रेवेन्यू कितना शेयर करे, कैसे करे, इसको लेकर दुनिया में बहुत बहस चल रही है, कई जगह उस पर गाइडलाइन बने हैं, वो एक बड़े डिबेट का विषय है। 129 सर, आई एम सुरभि फ्रॉम द इकोनॉमिक टाइम्स। जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड सर, दैट विल देयर बी अनदर राउंड ऑफ कंसल्टेशन ऑन ऑल दीज गाइडलाइंस, बिकॉज यू हैव नॉट नोटिफाइड इट, सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू नोटिफाई दीज गाइडलाइंस? एंड लाइक माई कलीग आस्क्ड दैट नन ऑफ द न्यूज पब्लिकेशंस हैव बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली यू नो कमेंट और कंसल्ट ऑन दीज गाइडलाइंस, सो विल देयर बी अ फॉर्मल प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन व्हिच विल बी डन टू कॉल ऑल द न्यूज पब्लिकेशंस एंड गेट देयर कमेंट्स ऑन दिस कोड? योर क्वेश्चन इज टू होम? प्रकाश सर, एंड ऑल्सो टू यू सर, इन टर्म्स ऑफ व्हेन वी विल नोटिफाई द फाइनल गाइडलाइन। मैंने जैसे बताया OTT प्लेटफॉर्म्स 40 एंटिटीज नोन है, उनके साथ 3 बार कंसल्टेशन दिल्ली, चेन्नई, मुंबई में हुआ, 2 बार मैंने दिल्ली में सबको बुलाकर मीटिंग की, जो आज मैं गाइडलाइन ले आया हूं उसका ही उन्हीं को करे खुद, यह हमने आग्रह किया। दुर्भाग्य से 6 महीने में नहीं हुआ, और इसलिए अब गाइडलाइन आई है। और कंसल्टेशन कहोगे तो जैसे रवि जी ने कहा, उनका तो गाइडलाइंस वेबसाइट पर रखे ही थे ओपन, और उस पर 177 कमेंट्स भी आए और कोई काउंटर कमेंट भी आए, तो ये कहना कि कंसल्टेशन हुआ ही नहीं, सिर्फ डिजिटल न्यूज़ पोर्टल का मुद्दा ऐसा है, कौन है और कैसे कौन कौन है ये किसी को पता ही नहीं है। अब जब डिस्क्लोजर होगा और वो जानकारी सब आएगी, तब आपके हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। 154 जस्ट अ मिनट, आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग टू व्हाट प्रकाश जी सेड वेरी सिग्निफिकेंटली। व्हेन वी सिट इन द गवर्नमेंट, वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट द कंसर्न्स ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, दैट इज व्हाट नरेंद्र मोदी इज अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज अबाउट।
Should we keep quiet when a mother starts complaining to us that my daughter is being exposed like this? Should we keep quiet when a small business entrepreneur is sought to be swamped by big business houses based upon falsehood? My department is full of these complaints. So is Prakashji's. Therefore, we have said, no, we will have this mechanism, but you will have to enforce it. We will have a soft touch. That is what this is about. Wait kar lijiye na, jaise hi hoga aapko maloom ho jayega, jaldi hi karenge. Yes, sir. So my name is Swati Mathur. I'm from the Times of India. My question is to Mr. Prakash Javadekar. Sir, I'm here. Sir, you referred to the Film Censor Board and you also talked about age-related classification for OTT content. Now, what I want to understand is that you've said that there should be parental locks. Isn't it incumbent on the consumers watching that content to, you know, impose whatever? Here you seem to be, you know, penalizing the OTT digital platforms for not providing, मैंने जो कहा फिर से कहता हूँ, फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, टीवी के लिए प्रोग्राम कोड है, ओटीटी के लिए कुछ भी नहीं है. तो प्रोग्राम कोड आएगा जो टीवी वालों को है, सीरियल्स वगैरह सब चलते हैं, और सिनेमा के लिए हम अभी सेंसर बोर्ड उसमें नहीं ला रहे. हम उन पर विश्वास रख के आप क्लासिफाई करो कि 13, 16 प्लस एंड ए फिल्म्स कौन से, और घर में भी देखा जाता है तो घर में बच्चे ये नहीं देखेंगे, इसकी एक सुचारू व्यवस्था. वो प्लेटफॉर्म की भी जिम्मेवारी है और घर वालों की भी है. नंबर 10. सर, हाउ वुड यू कैटेगराइज, व्हाट वुड बी द क्राइटेरिया फॉर significant social media intermediaries? I think, sir, you, initially in your comments, you also said that significant social media intermediaries will be given 3 months to comply with this. Is there any timeline for OTT as well, sir? Mr. Javadekar, this is a question to both, sir. The first question is, significant social media and non-significant social media would be classified based upon the number of users. Very soon, we are going to notify it. It will be a significant number, maybe 50 lakh or above or something like that. That we are working out, but very soon we are going to notify that. And once significant social media reach is notified, they will be given a 3 months time, because they have to have additional obligation, chief compliance officer, nodal officer, grievance redressal officers. For others, it will kick in immediately. 47. Venkatraman, Vanakkam. Yes, Vanakkam. And, sir, question about the subject, not sir, about Tamil Nadu election. Yeah, I'm related to Tamil Nadu only. I'm asking, going to ask you, what message you want to give it to the people of Tamil Nadu? I think. But so far, whatever you said in Hindi, you are addressing the only North Indian media. No. But you not bother about taking into consideration Tamil Nadu, because Ravi Shankar ji had a stake in Tamil Nadu. He was responding in English. I will respond. I will respond to you in English. See, the advancement of technology has brought on the fore very useful mechanisms, and like OTT platforms and the digital news portals. But there were no any mechanism, institutional mechanism, to guide to the people also, because for films, there is censor board, which we are not repeating here in OTT, but there is self-regulation mechanism in TV with program code to be followed. The same thing we are bringing to OTT, and at the same time, for digital news portal, they will have to first give information about their existence, and then they have to follow the Press Council Code, that is called Code of Ethics. So this is what we are expecting. We believe in our media. We believe they're responsible. And as I said, we fought and went to jail for 16 months to preserve the freedom of media. But media's freedom is also, has to be responsible freedom. To make it that responsible freedom ka hi ye ek mechanism hai. This is the mechanism for responsible freedom. 18.
Javadekar sir, I just wanted to get a small clarification on the issue of suo moto powers or emergency powers, you know, when government will intervene. How will it play out? What is the mechanism? Who will be the nodal agency? And how do you expect this compliance within 36 hours? There is, even on today's TV shows and complaints, there is a standard interdepartmental oversight mechanism. So that is already exists. There are proper provisions under the IT Act to take emergency measures in case of real emergencies. But once those orders are invoked by the IT secretary or by the INB secretary, as the case may be, it has to be affirmed by a proper committee, it has to be reviewed, and there is a review mechanism which we have imported that of the telegraph rule, namely headed by the cabinet secretary in the government of India and chief secretary in the state government. Therefore, there are proper safeguards also in case of exercise of emergency powers. Sir, namaskar, main Pradeep Total News se. सर मेरा एक क्लेरिफिकेशन जानना था कि जो ये गाइडलाइन तैयार की गई है, क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है जो पॉलिटिकल पार्टियों के आईटी सेल्स होते हैं वो खास तौर से हेट स्पीच चलाते हैं और उसके बाद वो वायरल होते हैं, उसके बाद एक पॉलिटिकल मैसेज जाता है, तो क्या इसमें पॉलिटिकल पार्टी भी इस दायरे में आएगी और उसका क्या गाइडलाइन होगा? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर देश में करोड़ों लोग सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं तो अपने वो विचारों का भी मैं अपनी पार्टी के भी विचारों का कर सकता हूं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्म्स हैं उनका तो पालन करना पड़ेगा ना, कि आप किसी को डिफेम मत करिए, किसी महिला के खिलाफ इस तरह की बातें ना करिए, आप आतंकवाद को ना बढ़ाइए, या कई चीज़ें जो अब चली हुई हैं तो इसका विचार करना पड़ेगा। ये सब पर लागू है, कोई पोलिटिकल एक्टिविस्ट हों या नॉन पोलिटिकल एक्टिविस्ट हों। 38 So, Anushree from Financial Express. My question is to Mr. Javadekar. Sir, you spoke about the self-regulatory body for OTT, and which will be headed by either a retired Supreme Court judge or a High Court judge. So, how many members would this body have, and will it also have representatives from OTT platforms? Because in the previous consultations, the representation was not equal, and it was one of the reasons why the ministry had to, you know, step into for formulation of these guidelines. Also, under what circumstances the ministry will step in case the mechanism or the body fails to, you know, handle a grievance? We have not taken any additional power in these guidelines. The oversight mechanism, as explained by Ravi Shankar ji, exists and it will exist. I want to make very clear to my learned journalist friends that we have not framed any new law or any additional law. Under the existing IT Act mechanism itself, in exercise of Section 87 rulemaking power, we have framed these rules and the Code of Ethics. This should be clearly understood. 40. Hi sir, this is Ashish from the Indian Express. I wanted to ask a question that in the case of messages which go viral and finding the originator, it has often been seen that a VPN or a proxy network is used by the perpetrators. So who would be held liable in such a case, the social media intermediary or VPN? Well, Ashish ji, these are academic questions. As I said in the very beginning, as Prakash ji said, we are trusting the platforms to be accountable in terms of these regulations. We are trusting self-regulations. And once they will go through all the norms, which will be very much put on the platform, they need to improve their mechanism, whether it is grievance registral or verification or classification of the curated content. So, hum to unko trust kar rahe hain. Is baat ko please sare mitra samjhein ki the focus of this guideline, whether in the case of social media or in case of creative content, is on self-regulation. You develop, this is the norm, please ensure it followed up. Last question, 15. Sir, you spoke about press council norms for websites. Sir, there has been a long demand to increase the ambit of the press council. As a follow-up, is there a plan to do so? Secondly, sir, I also wanted to ask that internet is a global entity. You may set the norms for Indian websites. Have you thought of kind of the same kind of norms could be floated by websites based abroad? So is there any thinking on that?
See, it's a different topic whether the Press Council Act will be expanded or given teeth. It's a continuous discussion. Let's see what happens. जहाँ तक आपका सवाल है, I do acknowledge internet is a fine creation of human mind. But if internet is a global phenomena, it must have linkage to the local, local ideas, local culture, local customs, and most important, local laws, our constitution and laws of India. अब ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि आप अमेरिका में बैठ के आपकी चीज यहाँ दिखाएंगे और यहाँ के ग्रीवांस का रिड्रेसल नहीं होगा, यहाँ के एब्यूज चलता रहेगा, मिसयूज चलता रहेगा, ये हमारी अपेक्षा होगी. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू फ्रेंड्स. थैंक यू.